हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ ब्रिंजल राइस या वंगन भात की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार है और ये नाश्ते की तरह पे बना जा सकता है, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये रेसिपी आप पूरा देखे, सेंटर में स्किप ना करें। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाए। हेलो, मेरा नाम शाहना राय है, मेरे किचन में आप लोग का स्वागत है। मैंने ये रेसिपी के लिए जो मसाला लिया है वो है यहाँ पे 250 ग्राम बैंगन, जो सफ़ेद कलर का लंबा वाला रहता है उसी को लिया है मैंने, और उसको मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में से कट कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है इमली का जूस। पहले मैंने इमली को भिगा के रख दिया था और उसको छान के अच्छे से जूस निकाल दिया है। फिर एक प्याज बड़े साइज़ का, 3 चम्मच चना दाल, बड़े से 3 चम्मच मूँगफली, हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ब्रिंजल मसाला लिया है मैंने यहाँ पे बड़े से 3 चम्मच। रेड चिली पाउडर हम यूज़ करेंगे, साथ में गरम मसाला पाउडर, करी पत्ता, मैंने यहाँ पे 15 से 16 करी पत्ता ले लिया है, 4-5 रेड चिली, 2 तेज पत्ता, और हम उसमें यूज़ करेंगे चावल। तो चावल को पहले मैंने बना के रख लिया है, आप देख सकते हो। और आप पहले चावल को बनाएंगे तो चावल को थोड़ा इसी तरह ठंडा होने के लिए रख देना चाहिए, तब ये चावल बहुत ही खिला खिला बन जाएगा और खिला खिला चावल में ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और हम इसमें यूज़ करेंगे 2 चम्मच राई लिया है मैंने, आप देख सकते हो। और हम डालेंगे उसमें तेल। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन करके एक पैन चढ़ा देंगे, पैन गर्म हो गया तो हम उसमें डाल देंगे तेल। तो हम ये रेसिपी में तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, तो मैंने यहाँ पे बड़े से 4 चम्मच तेल डाला है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे राई। राई थोड़ा सा फूटने लगेगा तो हम उसमें डाल देंगे चने की दाल और मूँगफली। दोनों को हम लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों अच्छे से यहाँ पे भून गया है, इसमें कलर भी आना शुरू हो गया है। फिर हम उसमें डाल देंगे रेड चिली, तेजपत्ता और करी पत्ता। तो ये सभी को हम मिला देंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सभी भून गया है। फिर हम उसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्याज को मैंने थोड़ा लंबा टुकड़े में से कट किया है। प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो प्याज जो है ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। फिर हम उसमें डाल देंगे ये इमली का जूस, नमक हम डाल देंगे, नमक मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच डाला है, आप स्वाद अनुसार नमक डालें। फिर एक बार अच्छे से मिला देंगे और ऐसे मिलाते हुए हम 2 मिनट तक इसको इसी तरह भून लेंगे। 2 मिनट बाद हम उसमें डाल देंगे मसाला। तो सबसे पहले हम डालेंगे उसमें ब्रिंजल मसाला जो मैंने लिया था, 1/2 चम्मच चिली पाउडर, और ये दोनों को हम अच्छे से मिला देंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये मसाला जो है ये पूरी तरह यहाँ पे मिल गया है और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो इसको हम और थोड़ा पकाने के लिए हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, बड़े से 3 से 4 चम्मच पानी उतना ही डालें। फिर एक बार अच्छे से हम मिला देंगे और इसे मिलाते हुए हम मसाला को अच्छे से भून लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मसाला जो है ये अच्छे से भून गया है। फिर हम उसमें डाल देंगे कटी हुई ब्रिंजल, अच्छे से हम मिला देंगे मसाला का साथ ब्रिंजल को भी। और आप यहाँ पे देख सकते हो मसाला का साथ मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। फिर इसको 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे, तब तक ये पूरी तरह पक जाएगा। और 5 मिनट बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्रिंजल जो है ये भी पूरी तरह सॉफ्ट हो गया है। फिर एक बार हम अच्छे से मिला देंगे और ऐसे मिलाते हुए और 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मसाला जो है ये पूरी तरह यहाँ पे रेडी हो गया है। फिर मैंने यहाँ पे मसाला को थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, हम मसाला को इसी तरह डिवाइड कर लेंगे और अलग करके आधे मसाला को हम एक बाउल में निकाल के फ्रिज में 1 दिन के लिए स्टोर करके रख देंगे। आप भी ये मसाला जो है ये 1 से 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आधी जो मसाला बच गया है उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिला देंगे। ये मसाला जो है ये पूरी तरह यहाँ पे रेडी हो गया है। फिर हम उसमें डाल देंगे चावल जो मैंने पहले बना के रखा था। आपके घर में रात का चावल हो तो आप ये रात का चावल से भी ये रेसिपी बना सकते हो। मैंने ये रेसिपी में मसाला जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, आधे मसाला को हम स्टोर कर लिया है और आधे में हम चावल को मिला के ये ब्रिंजल राइस बना लेंगे। आप चाहे तो एक ही साथ में थोड़ा सा ज़्यादा मसाला बना सकते हो, मसाला बना के आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मसाला का साथ मैंने चावल को अच्छे से यहाँ पे मिला दिया है।
और आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रिंजल राइस जो है ये पूरी तरह यहाँ पे रेडी हो गया है। ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसानी तरीके से ये बनता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के लिए और नाश्ते के टाइम पे आप ये ज़रूर बना के ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। फ्रेंड्स मेरा ये रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करना, और मेरा रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मैंने ये रेसिपी में मसाला थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, आप चाहे तो यहाँ पे एक टाइम के लिए आप थोड़ा सा मसाला बना के खा सकते हो, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स मेरा ये रेसिपी आप पूरा देखें।